फाइनली दोस्तों 30 साल बाद भारत और अमेरिका ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे चीन पूरी तरह से हिल चुका है। ये अपनी नेवी को बहुत ज्यादा पावरफुल मानते थे, लेकिन अब इनका घमंड चूर चूर हो चुका है। भारत के 30 साल के इतिहास में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ जब भारत ने चारों तरफ इंडियन ओशन, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल सब जगह अपनी सबमरीन फैला दी चाइना पाकिस्तान को एक सबक सिखाने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने पहली बार एक हाइपरसोनिक मिसाइल की फायर कर दी चाइना के काफी करीब में, जिसे ये साउथ चाइना सी कहते हैं, लेकिन भारत और अमेरिका कहते हैं इंडो पैसिफिक रीजन। इस एरिया में अमेरिका का काफी खतरनाक B-52 बॉम्बर आता है और एक काफी ज्यादा खूंखार हाइपरसोनिक मिसाइल ये फायर करता है पैसिफिक ओशन में। हालांकि अमेरिका ने ये नहीं कहा कि ये टेस्ट सक्सेसफुल था कि नहीं, बस ये एक चाइना को सबक सिखाना था, क्योंकि चाइना काफी ज्यादा उड़ रहा था, उनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल की बेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेकिन अमेरिका ने इन्हें इनकी औकात दिखा दी। कुछ इसी तरह भारत की भी सटकी है। जब से चाइना ने जासूसी शिप भेजी है, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, तब से भारत ने 30 साल बाद पहली बार कुछ ऐसा कर दिखाया जो चाइना और पाकिस्तान के होश उड़ा दिए। चारों तरफ भारत की पनडुब्बी अब मौजूद है। इनफैक्ट इंडियन नेवी के जो ऑफिसर्स हैं वो खुद कह रहे हैं कि उन्होंने आज तक कभी इतनी सारी पनडुब्बी एक साथ ऐसे नहीं देखी, इनको एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है। इसके अलावा तो अगले साल 2025 में 17 और सबमरीन आ रही है और इससे भी चीन को सबक सिखाया जाएगा। और बस भारत और अमेरिका चाइना का एक गलत मूव का वेट कर रहे हैं और चाइना के सबमरीन शिप्स का विनाश तो फिर तय ही है। खैर, भारत और अमेरिका के ये जुगलबंदी के ऊपर आप क्या कहोगे? लेट अस नो इन कमेंट्स बिलो।